हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है हमारे प्रेडिक्शन में। तो आज फिर से हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं, जो कि शाम को मैच है, अभी 3 घंटे बाकी है, जिसमें जिस टीम क्रिएट करता हूँ और अब देखिए किस तरह। तो पहला पहला हम लोग विकेट कीपर, जो कि हम केएल राहुल को डायरेक्ट लेंगे, क्योंकि केएल राहुल कैप्टन है और यह बहुत बढ़िया क्लास खेलते हैं। इनके क्लास का बहुत ही लोग दीवाने हैं। तो हम एक इंगो लेंगे, और अगर अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो आप निकोलस पुरन को ले सकते हैं। और मैं क्वेंटम डिकॉक के साथ अभी नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे इनके बारे में जानकारी नहीं कि ये खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अगर खेलेंगे तो आप पुरन के जगह पे इंगो ले सकते हैं, क्योंकि यह भी एक बहुत बेहतरीन क्लासिकल प्लेयर है, जो कि साउथ अफ्रीका का है। तो आगे बढ़ते हैं और दूसरा देखते हैं। तो बैट्समैन में हम पहले लेंगे डेविड वार्नर, जो कि पहले हरियाणा तरफ से खेलते थे, बहुत बढ़िया। तो अब तो हम डेविड वार्नर को लेंगे। और दूसरे नंबर पर हम लेंगे पार्थिव शॉ को। पृथ्वी शॉ यह बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, तो इनको लेंगे। और दो हो गए, और तीसरे में हम ले सकते हैं मिचेल मार्श को, ये भी बहुत बढ़िया खेलेंगे और ये 3 से 4 नंबर पर उतरेंगे, तो अच्छे एक रन इनको मिल सकता है। और मैं तीन ही बैट्समैन प्रेफर करता हूँ ज़्यादा अपने टीम में। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कितना लगाना है। और मैं चौथा में लूँगा एक अक्षर पटेल, जो कि बैटिंग के साथ, तो आप स्पिनर को ले सकते हैं मार्कस स्टोनी या केएल मार्श। मैं केएल मार्श को लूँगा। अगर केएल मार्श नहीं खेलेंगे तो मैं इनके जगह पे मार्कस स्टोनी को लूँगा, क्योंकि केएल मार्श को मैंने कुछ दिन पहले देखा है एक मैच में, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करने वाले हैं, ये बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, तो इनको मैंने सेलेक्ट किया। और बॉलिंग में मैं आपको आँख बंद करके ले लेना है कुलदीप यादव को। कुलदीप यादव हमारे इंडिया के बेहतरीन बॉलर हैं, जो कि बहुत सारे तरीक़ों से बॉल कराते हैं और यह बहुत ही गजब विकेट निकालते हैं। तो एक हम इनको लेंगे, और एक आवेश खान को ले सकते हैं, क्योंकि आवेश खान का पिछले मैचों में बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है, जो कि मैंने देखा, मैंने इनके बारे में रिसर्च किया, तो अच्छे बॉलिंग करा रखे हैं, तो इनको एक लीजिए। और ये नॉटरेज भी बहुत बढ़िया बॉलिंग कराते हैं। अब तो हम दो फास्टर एक स्पिनर हो गया, और मैं एक और ऑलराउंडर लेना पसंद करूंगा, तो मैं जाऊंगा कुणाल पांड्या के साथ। कुणाल पांड्या को बहुत कम ही लोग लेंगे, लेकिन यह बहुत बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते हैं जब अगर इनको मौका मिले तो यह 5 से 6 नंबर पर उतरेंगे। तीनों के ऊपर रिक्स लिया है। और अब चलते हैं वाइस कैप्टन और कैप्टन को देखते हैं। तो मैंने वाइस कैप्टन और कैप्टन के तब से मैं बनाऊंगा अपने वाइस कैप्टन, मैं एक केएल मार्श को लूँगा। केएल मार्श बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रहा था, यह मतलब इसको देखकर मुझे हर बार लगेगा कि मैं इसी को अपने टीम में लूँ, तो इनको मैं लूँगा। और कैप्टन मैं केएल राहुल को रखूँगा, क्योंकि केएल राहुल ओपनिंग करते हैं, और प्लस में यह बहुत ही संभले हुए बैट्समैन है, बहुत ही एक्सपीरियंस इनके पास है, क्लास है, तो बढ़िया बैटिंग करते हैं, तो इसलिए मैं इनको रिस्क लिया। यह मेरा टीम है, आपको मैं दिखाता हूँ मेरा टीम किस प्रकार का है। मैं जाऊँगा यहाँ पे, ये देखिए, ये रहा मेरा टीम जो कि आज का है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा टीम रहेगा, और मैं वाइस कैप्टन इनको और कैप्टन इनको। अगर कोई बदलाव नहीं होता है तो मेरा टीम यही रहेगा। कल मैं आपको दिखाऊंगा मेरा पॉइंट क्या रहा क्या नहीं रहा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल दबा दें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी पता चले किस प्रकार टीम लगाते हैं और किस प्रकार से हम एनालिसिस कर सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं कुछ नहीं। अगर दोस्तों अगर आपको ज़्यादा ही जीतना है प्राइज, तो आप माई सर्कल 11 डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैं भी यूज करता हूँ खुद। मैं आपको दिखाता हूँ माई सर्कल 11 में किस प्रकार का विनिंग चल रहा है। तो यहाँ दिखा रहा है माई सर्कल 11 ₹49 में 1 करोड़, यह फर्स्ट प्राइज है। और इसके साथ आपको एक कार भी मिलेगा, और प्लस में कुछ देर बाद या जब टाइम खत्म होगा तो आपको यहाँ सेकंड प्राइज भी 1 करोड़, प्लस में एक लग्जरी कार और सेकंड प्राइज भी आपका 1 करोड़ रुपया है। तो जल्दी से डाउनलोड करें, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपको 100 रुपीज़ बोनस के तौर पर भी मिलेगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, और जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने रिस्क पे बढ़िया टीम बनाएं, मेरे से बढ़िया टीम बनाएं, और जीतने का मौका पाएं 1 करोड़ रुपया। मैं भी प्रयास कर रहा हूं, बट जो कि मैंने देखा है इधर उधर एनालिसिस किया है, तो बता रहा हूं ये टीम ऐसा लग रहा है। अगर कुछ गलती हो भाई तो माफ़ करना।